मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास अर्थ अवध पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज समरी सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट, कल आपका 3.7 फिनिश हो चुका था, आज हम चलेंगे 3.8 पर। बट इसके पहले आपके ही क्लास की दो लड़कियों ने कमेंट किया, सर मुझे डिवीजन मेथड नहीं समझ में आया, आयुषी यादव और श्रेया यादव। तो पहले डिवीजन मेथड मैं फिर एक बार बताने चल रहा हूँ, इसे आप समझिए, नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, फिर समझाएंगे। देखिए एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा क्वेश्चन है 54,756 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, इधर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक पेयर बनाए, दूसरा पेयर बनाए, तीसरा अकेले बचा अकेले ही रहने देंगे। अब भाग और इस स्क्वायर रूट में केवल अंतर इतना है, भाग देने वाले में आपको यह संख्या पता रहती है कि हमें किससे भाग देना है। इसमें आपको यह भी ज्ञात करना है कि हमें किससे भाग देना है और कितनी बार पढ़ना है, पहाड़ा कितनी बार हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ 5 है। अब 5 में इसमें एक शर्त यह है कि जिस संख्या को आप लेंगे उस संख्या का पहाड़ा आप उतनी बार ही पढ़ सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए 5 है, 5 में किस संख्या का पहाड़ा उतनी बार पढ़ने पर उतना ही आएगा, सॉरी उतनी बार पढ़ने पर 5 आएगा या 5 से कम होगा। यहाँ देखिए 2 से 5 में जब टेबल पढ़ेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखे, इन दोनों को ऐड कर दिए, 2 2 जा 4 होता, इसलिए इसको यहाँ लिख दिए, 5 में से 4 को माइनस दिए, 1 आया, इसको ऐड करके यहाँ लिख दिए। वो लाइट जल रही है, उसे लाइट बुझाओ। अब यहाँ देखो ये पेयर यहाँ आप उतार लेंगे 47, पूरा पेयर उतारेंगे। फिर अब 4 का टेबल 12 14 में नियर अबाउट कितनी बार जाएगा, यही आप आकलन लगा लीजिए। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 होता है, जो कि 14 से अधिक है, इसलिए 3 times 3 3 जा 9 3 4 जा 12। 7 में से 9 माइनस करिए, नहीं घटेगा, 17 में से 9 8, यहाँ बचा 3 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ ए पेयर यहाँ कर लिए, इसको ऐड किए, 6 आया, 4 को 4 लिख दिए। अब यहाँ 18 आया, 4 का टेबल 18 में नियर अबाउट 4 टाइम्स जाएगा, या आप यह कह लीजिए अंत में 6 है, तो अंत में अगर 6 है, वंस के प्लेस पे 6 है, या तो वंस के प्लेस पर 6 होगा या तो वंस के प्लेस पर 4 होगा। तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 25, 4 4 जा 16 और 2 18, ये 4 टाइम्स गया, पूरा पूरा माइनस करने पर कट गया, आपका स्क्वायर रूट आया 234। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उसी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, 8649 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक पेयर हमने ये बनाया, एक पेयर ये बनाया। अब 86 है, 86 में किस संख्या का, कौन सी ऐसी संख्या लें जिसका पहाड़ा पढ़ने उतनी बार ही पढ़ने पर या तो 86 आए या तो 86 से कम आए। तो 9 लिए, 9 9 जा 81, इस 9 को यहाँ भी लिखेंगे। अब इस 9 9 को जोड़े, इतना आया, 8 से 8 माइनस हुआ, सॉरी यहाँ 6 में से 1 माइनस हुआ, 5 आया, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब इस पेयर को उतारे, ये आया आपका 54 और 18 3 जा 54, 3 times यहाँ लिए, यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ उतार दिए, माइनस किए, कट गया, ये आया आपका 93। अब जो बचे हैं उसे आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर, ये है पॉइंट वाला, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। पहले क्वेश्चन का पहला 5.0625। अब पॉइंट वाले, अभी तक जो आप पेयर बनाते थे वो राइट हैंड साइड से बनाते हुए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते थे, पॉइंट वाले क्वेश्चन में आपको
पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट जाना है और पॉइंट के पहले सेम कंडीशन पहले वाली राइट से लेफ्ट जाना है। तो पॉइंट 0625 है तो 06 के बाद एक पेयर, 25 का एक पेयर। अब यहाँ ये सिंगल 22 जा 4, 22 4, 5 में से 4 1 इस पेयर को उतार लिए। अब 4 ये 10 है, 4 2 जा 8, 4 का टेबल 10 में नियर अबाउट 2 आ जाएगा तो 2 यहाँ ले गए, 2 यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, इसमें से इसको माइनस किए 2 आया, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया 2 आया। अब इस पूरे पेयर को उतार लिए, अब ये ऐड किए थे 44 आया था, अंत में 5 इसलिए यहाँ 5 ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता अगर पूरा डिविजिबल होगा तो। आप जब 5 बार लेंगे तो 5 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई किए इतना आया, इससे इसको कहीं माइनस कर दिए कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2.25। सेकंड का पहला कह रहे हैं फिंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसका स्क्वायर रूट दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, दशमलव के 3 प्लेस तक निकालने के लिए अगर कहेगा तो हम दशमलव के 4 प्लेस तक निकालते हैं, अगर 4 प्लेस कहता है तो 5 निकालते हैं, 2 प्लेस कहता तो 3 प्लेस निकालते हैं। तो 3 प्लेस निकालने को कह रहे हैं तो हम 4 प्लेस निकालेंगे, 4 प्लेस निकालने के लिए दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद हमें 4 पेयर होना चाहिए और यहाँ देखिए 3 के बाद हम यहाँ पॉइंट रख दिए और इसके बाद 4 पेयर बनाना है क्योंकि संख्या दी नहीं गई है इसलिए हमारे पास 0 है, हम 0 0 0 0 4 पेयर हो गया। अब 3 में 1 1 जा 1, 3 में से 1 2, 1 1 2, ये 0 को उतार लिए, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 4 18, 10 में से 9 1, 9 में से 8 1, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर दिए, इस पेयर को यहाँ उतार दिए। 3 का टेबल 11 में नियर अबाउट 3 टाइम्स जाएगा, 3 से यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, फिर यहाँ लिखे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 1 और 9 और 1 10, यहाँ 1, 9 में से 2 7, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, इसको जोड़ता है 3 4 6, अब ये पेयर उतार लिए। 3 का टेबल 7 में नियर अबाउट 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, आया इतना, माइनस किया आया 176, ये पेयर उतार लिए। अब इसको ऐड किए थे, यहाँ इतना आया क्योंकि अगर हम एक बार ले जाएंगे तब भी जो है इससे ज़्यादा हो जा रहा, इसलिए हम 0 बार ले गए, 0 0 होगा, यहाँ आपका ये बचा। अब 1.7320 आया, ये बराबर हो गया 1.732। चौथा स्थान यानी फोर्थ प्लेस पर पॉइंट के बाद फोर्थ प्लेस पर यदि 5 या 5 से अधिक कोई संख्या है तो उस थर्ड प्लेस वाले में 1 ऐड हो जाता है, फोर्थ प्लेस वाला हट जाता है, अगर 5 से कम रहता है तो फोर्थ प्लेस वाला हट जाता है, थर्ड प्लेस तक जैसे क्या है वैसे लिख दिया जाता है। तीसरे का पहला फिंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। इसको भी दशमलव को 3 स्थान तक निकालना है और आप में दिया गया है 0.9 दिया गया है तो क्योंकि पॉइंट के बाद जो पेयर बनता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है इसलिए यह सिंगल था, सिंगल बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा के 1 पेयर ये हो गया क्योंकि 3 पेयर तक बताना है तो 4 पेयर चाहिए, 1 2 3 4। अब 0 ऐसे बढ़ा दिए, पॉइंट बढ़ा दिए, ये 90 है, 90 में किसका टेबल पढ़े कि उतनी बार ही पढ़ने पर या तो 90 आए या तो 90 से कम आए, ज़्यादा ना हो तो 9 9 जा 81, तो 9 यहाँ लिखे, 9 यहाँ लिखे, 9 यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, इसको माइनस किए 9 फिर बचा, इसको ऐड किए 18 हो गया। अब ये 00 उतार लिए, अब 18 का टेबल 90 में 5 बार जाएगा लेकिन 18 के बगल अगर 5 लिख दें तो हो जाएगा 185 और नीचे 5 185 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 925 आएगा जो कि 900 से ज़्यादा है, इसलिए 4 टाइम ले गए, 1 टाइम कम कर दिए,
तो फोर यहाँ लिखे, फोर यहाँ लिखे, फोर यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, इसमें से इसको माइनस किया आया 164 और इसको इसको ऐड किए तो आया 188। अब ये पेयर यहाँ उतरा था, ये पेयर यहाँ चला आया। अब 18 का टेबल 164 में 8 टाइम्स जा रहा है, इसलिए 8 यहाँ लिखे, 8 यहाँ लिखे, फिर 8 यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई किए इतना आया, माइनस किए तो 1296 आया। ये वाला पेयर यहाँ उतार दिए, इसमें इसको जोड़े तो 1896 आया। अब 129 है, 18 का टेबल 129 में नियर अबाउट 6 टाइम जा रहा है, तो 6 टाइम यहाँ लिखे, फिर 6 यहाँ लिखे, फिर 6 यहाँ लिखे, इससे इसको मल्टीप्लाई किए इतना आया, इससे इसको माइनस कर दिए, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ 0.9486 है। अब ये देखिए 5 से अधिक है, इसलिए इसमें 1 ऐड हो जाएगा, 0.949। ठीक है, इसी तरह से 7/8 को इस थर्ड का दूसरा ही क्वेश्चन है। 7/8 को आपको पॉइंट के 3 स्थान तक निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम पॉइंट में बदलेंगे। पॉइंट में बदलने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड किए तो आया 0.875। 0.875 जब आया तो ये क्योंकि पूरा पेयर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें 4 पेयर चाहिए, 3 ही डिजिट है, 4 पेयर मीन्स 8 डिजिट, 5 डिजिट कम है, इसलिए इसके बाद हम 5 डिजिट बढ़ा दिए, उसके बाद इसका हमने पेयर बना दिया। अब 99 जा 81, 6 आया, 9 यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखे थे, इसको इसको ऐड किए इतना आया, 3 टाइम 3 यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, इससे इससे मल्टीप्लाई इतना आया, माइनस किए इतना आया, फिर इसको ऐड किए 5 टाइम ले गए इतना आया, फिर माइनस किए, फिर 4 टाइम गया, इस प्रकार से आपका आया 0.9354। अब यहाँ देखिए फोर्थ प्लेस पर 4 जो कि 5 से कम है, इसलिए ये इतना हो गया, आपका यही आंसर हो गया। फोर्थ वाला है, सॉरी थर्ड का थर्ड है, 4 होल 2/3, तो 4 तो होल है, 4 यहाँ लिख दिए और 2/3 को पॉइंट में बदले तो आया 0.66, ऐसे ही आता जाएगा, इसलिए हमें ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हमें क्योंकि 4 पेयर चाहिए, इसलिए 4 पेयर मीन्स 8 डिजिट, 8 डिजिट हमने ये लिख दिया, यहाँ हो गया। इसका जैसे इन सब का निकालिए वैसे इसका भी निकाल लिए, आया 2.1602, क्योंकि फोर्थ प्लेस पर 2 है जो कि 5 से कम है, इसलिए 3 प्लेस तक। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे है। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3.8 फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 3.9 आपको हम कल बताएंगे, इसको करिएगा, जो नहीं आएगा उसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 3.9 में आपके जहाँ एक्सरसाइज 3.9 है उसके लेफ्ट साइड में रूट चार्ट दिया गया, उस रूट चार्ट के माध्यम से आपको इसका उत्तर देना है, तो 3 तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 9 तक कोई दिक्कत नहीं है, 9 के बाद 10 से लेकर 15 तक, यानी 6 क्वेश्चन आपके ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हैं, तो 10-11 में हम 2 क्वेश्चन बता देंगे, 4 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी इसी चैप्टर के बाद। आपका कोर्स जो है जो मई महीने 20 मई तक पढ़ाया जाता है वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद चौथा चैप्टर शुरू करेंगे जुलाई में।